नमस्कार, साधना न्यूज में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपड़े। और चलिए रुक कर लेते हैं कुछ खबरों की ओर। डिंडोरी जिले के करंजिया विकासखंड क्षेत्र अंतर्गत पाटनगढ़ गांव में बीती रात देर स्कूल भवन धराशाही हो गया। दरअसल पाटनगढ़ में जर्जर हो चुके भवन में स्कूल का संचालन किया जा रहा था और आखिरकार स्कूल भवन जमींदोज हो गया। हेडमास्टर का कहना है कि उन्होंने जर्जर हो चुके भवन की जानकारी कई बार जिम्मेदार अधिकारियों को दी, लेकिन किसी ने सुध नहीं ली। पाटनगढ़ प्राथमिक शाला में 45 बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन स्कूल भवन की हालत को देखते हुए कुछ अभिभावकों ने अपने बच्चों को स्कूल भेजना बंद कर दिया था। गनीमत रही कि स्कूल भवन रात के वक्त धराशाही हुआ। अगर यही घटना दिन के वक्त होती तो प्रशासन की ये लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती थी। स्थानीय लोग शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन के रवैये को लेकर काफी नाराजगी है, तो वहीं बड़ा हादसा टल जाने से उन्होंने राहत की सांस ली है। गौरतलब है कि डिंडोरी जिले में लगभग 200 से अधिक स्कूल भवन जर्जर हो चुके हैं और उन्हीं जर्जर और खंडहर हो चुके भवनों में स्कूलों का संचालन किया जा रहा है। पहले हम आए थे सर, 2-3 दिन पहले, तो यहाँ का जो शिक्षित पढ़ाता है ना, उसको हम जानकारी दिए सर ये स्कूल गिर रहा है, तो इसके बारे में तो आप लोग जानकारी दिए हो कि नहीं दिए हो करके, तो बोल रहा था कि मैं जानकारी इसके बारे में पहले बहुत दे चुका हूँ, मतलब कोई सुनाई नहीं दे रहा है, कह के जो मास्टर लोग यहाँ पढ़ाते हैं ना वो बोल रहा था सर, तो उसके बारे में बोला सर कि आप लोग इसके बारे में जानकारी दो, अगर किसी दिन ये गिर जाएगा कुछ हो जाएगा ऐसा करके बोला सर, तो दिया हूँ जानकारी, ये बोल रहा था। कल की बात ये हुई सर, यहाँ स्कूल लगा था प्राथमिक शाला में, ठीक है, उसके बाद सर रात में ये दुर्घटना 12-1 बजे करीब गिरा होगा ऐसा कष्ट लगता है, रात ही भी गिरा जितना टाइम भी हो, है ना सर। इसके बाद जो है सर, ये गिरने के बाद फिर आए सर देखे हम लोग, अगर वास्तविक में अगर ये कुछ हो जाता किसी दुर्घटना तो बहुत बड़ी हो जाता। रात में सर वो मकान टूट गया, हाँ सुबह हमको पता चला कि स्कूल गिर गया कैसे, हाँ जी सुबह तो जानकारी दिए हम लोग, सर को बुलाया, सर देखा, फिर ग्राम पंचायत में सूचना कर दिए कि पंचनामा बना दो। मुझे सुबह जानकारी मिला फोन के माध्यम से कि हमारे पाटन रैयत की जो प्राथमिक शाला है वो क्षतिग्रस्त हो गया है, और इससे पहले यानी कि कल तक स्कूल यहाँ संचालित हुआ है, लगा है, और जैसे क्षति गिर गई उसके बाद स्कूल यहाँ नहीं लगा है, तो ये हमारे पाटन रैयत वालों के द्वारा हमको जानकारी दिया गया और आज ही हम लोगों का शपथ ग्रहण रहा। शपथ ग्रहण के बाद फिर हम लोगों ने एक प्रस्ताव बनाया है, उस प्रस्ताव में ग्रामवासियों का और पंचायत पंचों का साइन है। सर ये भवन बहुत जर्जर स्थिति में था, पिछले बार चुनाव के एक दिन पूर्व ही प्लास्टर का बहुत बड़ा हिस्सा गिरा था, अधिकारी लोग आए थे, उन लोगों को हमने सूचित किया था और हमारे जोनल अधिकारी वगैरह भी देखे और अपने उच्च अधिकारियों को भी हमने ये जानकारी दी थी, और हम इस उसमें वैकल्पिक व्यवस्था ये किए थे कि मतदान केंद्र अंदर न लगा करके बाहर टेंट लगा करके बाहर व्यवस्था किए थे, क्योंकि भवन की स्थिति बहुत खराब थी। इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए सीधे रुक करते हमारे साथ में संवाददाता अमित शाहू जुड़ चुके हैं। अमित, एक और जहां देखें तो मध्य प्रदेश की राज्य सरकार तमाम दावे करती है बच्चों की शिक्षा और सुरक्षा को लेकर, लेकिन वहीं अगर बात करें पाटनगढ़ गांव की तो वहां पर जो सुरक्षा और शिक्षा को लेकर जो तमाम दावे किए जाते हैं उसकी पोल खुलती नजर आ रही है। कि हमारे यहाँ डिंडोरी जिला अधिकतर बैगा बाहुल्य है, जहां अधिकतर स्कूलों के हालात ये है कि बिल्डिंगों के छज्जे निकल रहे हैं, बिल्डिंगें टूट रही हैं, शौचालय काम के नहीं है, अनेक जगह ऐसी स्थिति है कि बच्चे पानी भरने खुद जा रहे हैं नल तक, मतलब बहुत सारी समस्याओं के साथ यहाँ बच्चे शिक्षा अध्ययन कर पा रहे हैं जी। और जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि पाटनगढ़ में इस तरह की बिल्डिंग गिरी है, ऐसे हमारे यहाँ डिंडोरी जिले में लगभग 100 से 150 स्कूल हैं जिनकी स्थिति बिल्कुल गिरने लगी स्थिति में, पर प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है, और ऐसा नहीं है कि इस विषय में अधिकारियों को पता नहीं है, अधिकारी इस विषय को बिल्कुल संज्ञान में ले रहे हैं पर बिल्कुल कुछ भी नहीं कर पा रहा है उसके लिए अच्छा कुछ जी। अमित, अगर देखा जाए तो पूरे डिंडोरी जिले में लगभग 200 से अधिक स्कूल की जो हालत है वो जर्जर हो चुकी है, ऐसे में आपका कहना है कि कई बार शासन प्रशासन से भी इस घटना के बारे में रूबरू करवाया गया, लेकिन आखिर का सवाल उठता है कि कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया है? ऐसे में अगर किसी बच्चे के साथ में कोई दुर्घटना हो जाती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? अब इसका जिम्मेदार सीधे तौर पर कह दिया जाए कि क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, विभागीय अधिकारी और सीधे सीधे तौर पर तो शिक्षा विभाग के अधिकारी ही इस विषय में जानकर के भी अनजान बने हुए हैं, वही होंगे जी।
अमित, अगर जैसा अभी देखा जाए तो पाटनगढ़ गांव में जो स्कूल भवन की हालत जर्जर थी, अब वो धराशाही हो चुका है। इसके बाद में राज्य सरकार ने कोई एक्शन लिया है क्या? प्रशासन ने कोई एक्शन लेते नजर आए हैं? अभी तो वैकल्पिक व्यवस्थाएं की जा रही हैं, इस स्कूल को कहीं और स्थान पे फिर से लगाया जा रहा है जी, पर कोई स्थायी समाधान निकले तो बच्चों को इसका फायदा मिलेगा जी। बिल्कुल अमित, ऐसे में सवाल उठना लाजमी है क्योंकि लगातार शासन प्रशासन से इसकी शिकायत की जाती है और सिर्फ एक ही स्कूल भवन का मामला नहीं है, कम से कम डिंडोरी में 200 से अधिक स्कूल भवन जर्जर हालत में हैं और ऐसे में शासन प्रशासन इस पर कोई रुख नहीं अपना रहा है, तो कहीं ना कहीं जो बच्चों की शिक्षा और सुरक्षा को लेकर राज्य सरकार जो तमाम दावे करती है उसकी पोल खुलती कहीं ना कहीं यहाँ पर नजर आ रही है। बहरहाल अब देखना होगा कि इस खबर के बाद में राज्य सरकार जागती है या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमें देने के लिए। तो ये खबर आपको डिंडोरी जिले से बता रहे थे जहां गांव पाटनगढ़ में बीती देर रात स्कूल धराशाही हो गया। बता दें कि दरअसल पाटनगढ़ में जर्जर हो चुके भवन में स्कूल का संचालन किया जा रहा था और जिम्मेदार कोई कार्रवाई इस पर नहीं कर रहे थे, एक्शन नहीं कर रहे थे, उसी के चलते इस तरीके की घटना को अंजाम दिया जा रहा है।